कितना थक गई आज मैं, कितना काम किया आज मैंने। ये रंजना कहाँ रह गई? ये काम करती हूँ, उसको बुलाती हूँ। रंजना, ए रंजना। हाँ भाभी, एक गिलास पानी का लेके आना। आई। ये भाभी को बिना एक पल चैन नहीं है, हमेशा बस काम 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 करती रहती है। हाँ क्या हुआ भाभी, आपने बुलाया था मुझे? हाँ, एक गिलास पानी ला दे। भाभी थोड़ी शर्म कर लो, हमेशा बस काम 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 करवाते रहते हो, ये नहीं कि थोड़ा खुद कर लो। पर नहीं रंजना, ये कर रंजना वो कर, थक गई हूँ मैं काम करते करते। शर्म तो कर ले, बड़े के सामने जबान चला रही है। तेरे आने से पहले मैंने कितना काम किया तुझे पता है? और ये कह तू। हाँ तो ठीक है ना, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। छोटी बहन इतना सामने नहीं बोलती है जितना तू बोल रही है। आपको तो जब देखो लड़ना ही होता है। थक गई हूँ काम करते करते। एक काम करती हूँ, मम्मी को फोन करती हूँ। भाभी का कुछ तो करना ही पड़ेगा, हमेशा बस काम करवाती रहती है। काम करती हूँ, मम्मी से बात कर लेती हूँ। हेलो माँ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, बस अपनी जेठानी से बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मेरी जेठानी सारा सारा दिन मुझसे झगड़ा करती रहती है, काम करवाती रहती है। क्या करूँ माँ मैं, अब तुम्हें कुछ उपाय बताओ। तो ये बात है। अच्छा ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुम्हें एक चमत्कारी पानी भिजवा रही हूँ। जब जब तेरी जेठानी झगड़ा करे तो तू उसे एक घूंट पानी पी लेना, मुंह में बंद करके रखना, सब ठीक हो जाएगा। और ये मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? ठीक है माँ। छोटी, आज खाना तू बना लेना, मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, ठीक है? आज कुछ बोल क्यों नहीं रही है? वरना तो कुछ जरा भी कुछ कहो जबान काटने को दौड़ती है। ओ मैडम, तबीयत तो ठीक है ना, आप इतनी चुप कैसे? Oh no! मारा ने फोन का काम खत्म हो जाए तो खाना भी बना लेना। Yeah! रोज मैं खाना बनाती हूँ और तू यहाँ वहाँ खिसक जाती है। अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, और ये सुधर जाए ऐसा तो लग नहीं रहा। चल मैं जा रही हूँ, और खाना बना लेना, और मैं जल्दी आ जाऊँ, ठीक है? बाय, मैं जा रही हूँ। ये छोटी को क्या हुआ, कभी तो ऐसा नहीं करती, जरा कुछ कहो तो लड़ने दौड़ती है, आज इतनी चुप कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे रिश्ते को ठीक करना चाहती है? तब तो मैं कितना बोल गई, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। जब वो छोटी होके एक नई शुरुआत कर सकती है तो मैं क्यों ना करूं। चलो मैं उससे माफी मांग लेती हूँ और एक नई शुरुआत करती हूँ। छोटी ओ छोटी। हाँ भाभी बोलो। छोटी मुझे माफ कर दे, ना जाने मैं तुझे क्या क्या बोलने लग जाती हूँ, मैं बहुत गलत हूँ, मुझे माफ कर दे। अरे भाभी आप क्यों माफी मांग रहे हो? आप बड़े हो, आप दो बात बोल सकते हो, आप माफी मत मांगो भाभी। अब से हम कभी नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे को समझेंगे। चल मैं जाती हूँ खाना बनाने, और तू भी तो थक जाती होगी ना सारे काम करते करते। चल मैं खाना बनाती हूँ और तू आराम से आ जाना, ठीक है? वाओ। हेलो माँ, मैं बस आपको इतना बताना चाह रही थी कि जो आपने मुझे चमत्कारी पानी दिया था उसको है ना, मैंने जब जेठानी ने मुझे डांटा तो मैंने पिया था, जिससे है ना जेठानी सुधर गई, वो चमत्कारी पानी काम कर गया। बेटा तेरी जेठानी अच्छी ही है, और मैंने जो तुझे पानी दिया था वो कोई चमत्कारी पानी नहीं था, वो तो नॉर्मल पानी ही था। जब जब तेरी जेठानी कुछ कहती तो मुँह में पानी भर लेती ताकि तू कुछ बोल ना पाई। बेटा कभी कभी चुप रहना भी शांति का प्रतीक है, जब टकरार दोनों तरफ से हो तो बात बढ़ेगी ही, और कोई एक चुप हो जाए तो वह बात वहीं ख़त्म। हाँ माँ मेरी गलती है, मैं ही भाभी के सामने बहुत बोलती हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आज के बाद हम दोनों बहुत प्यार से रहेंगे। थैंक यू माँ।